हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 36 साइज डबल कतरी ब्लाउज स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। अगर फिर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। यह हम पिछले वीडियो में काट किया है तो अभी इसको हम सिलाई कर लेना है। पहले हम इसको इस तरह से रखना है, देखिए दोनों को इस तरह बराबर रखना है। और इसके बाद इसको भी इस तरह रखना है, देखिए। तो अभी हम यहाँ से हाफ इंच से थोड़ा सा ज्यादा लेकर हम सिलाई करना है। उसके बाद इसको इस तरह करना है, देखिए। इसका हम यहाँ से 1 इंच जैसा लगाकर सिलाई करना है। देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से सिलाई किया है। तभी हम इसको ज्वाइन करना है, तो इसको किस तरह से रखना है देखिए। हम इसको यहाँ से मिला कर लेना है। मिला कर लेने के बाद हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखकर सिलाई करना है। इसको भी देखिए, हम इसको इस तरह से लेना है। लेने के बाद देखिए इसको भी हम ठीक उसी तरह से सिलाई करना है। देखिए दोनों पार्ट को इस तरह से सिलाई किया। तो इसके बाद हम यहाँ से नीचे का और एक पार्ट है, इसको ज्वाइन करना है। इसको हम पहले इस तरह करना है, देखिए। करने के बाद हम यहाँ से 1 इंच लेना है। 1 इंच लेकर इसको सिलाई करना है। इसके बाद दूसरा साइड से भी हम इसको भी इस तरह मोड़ना है। हम यहाँ से भी 1 इंच रखना है। तो इसके बाद हम हुक पट्टी सिलाई करना है। हुक पट्टी के देखिए हम उल्टा साइड से रखना है। सिलने के बाद हमें इसको सामने की तरफ लेकर आना है।
करने के बाद देखिए इसको हम इस साइड में रखना है। उसके बाद देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करना है। इसके बाद हम दूसरा साइड से हुक पट्टी सिलाई करना है, तो पहले हम इसको इस तरह से मोड़ लेना है। इसके बाद इसको भी हम यहाँ से सिलाई करना है। इसको भी हम इस साइड में रखना है। देखिए इस तरह करना है। इसके बाद छीलने के बाद हम दोनों पार्ट को इस तरह बराबर करके देखना है। देखिए ये दोनों पूरा बराबर है। ये फ्रंट पार्ट छीलने के बाद हम बैक पार्ट सिलाई करना है। बैक पार्ट को पहले हम फ्रंट पार्ट के साथ ज्वाइन कर लेना है। दोनों को हम बराबर रखा है, तो इसके बाद हम यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करना है। इसके बाद क्या करना है देखिए, इसके बाद हम नेक पट्टी सिलाई करना है। नेक पट्टी को हम यहाँ से सिलाई करना है। देखिए उसके बाद हमें इसको हल्का हल्का काट देना है। हल्का हल्का काट देने के बाद देखिए हम इसको इस तरह से मोड़, हम पट्टी के ऊपर से एक सिलाई देना है। सिलाई करने के बाद देखिए यहाँ से जो भी ऐसा कपड़ा है उसको काट कर देना है।
तो इसके बाद देखिए हम नेक पुट्टी को क्या करना है। नेक पुट्टी को इस तरह से मुड़ना है। मुड़ने के बाद हम इसको अंदर की तरफ लेना है। लेने के बाद हम इसको मशीन से सिलाई कर लेना है। चाहे तो आप इसको तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मशीन से सिलाई कर लेना है। तो इसको हम सिलाई कर लिए, तो अभी हम स्लिप जॉइन करना है। इस जॉइन के स्लिप को हम इस जॉइन के साथ बराबर रखना है। देखिए हम इसको इस तरह से बराबर किया है। बराबर करने के बाद हम यहाँ से एक निशान दिया है, तो ठीक उसी निशान को जॉइन के साथ मिलाकर रखना है इस तरह। इसके बाद हमें इसको इस तरह से मोड़कर सिलाई करना है। देखिए दूसरे सिलू को भी हम पहले इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो इसको भी हम बराबर रखना है इससे। उसके बाद देखिए पीछे से हम टैक्स देना है।
ऐसे हाफ इंच जैसा सिलाई करना है, तो हम 3 इंच जैसे उठाना है। सिलाई करने के बाद देखिए हम कमर कुर्ती सिलाई करना है। कमर पट्टी सिलाई करने के बाद हम बाजू की तरफ से दोनों को बराबर रखना है। रखने के बाद हम किनारे से इसको एक सिलाई देना है। उसके बाद हम इसका साइज के हिसाब से फिर से हम सिलाई करना है। तो उसके बाद हम दूसरा साइड से भी इसको किनारे से सिलाई कर लेना है। तो ब्लाउज को साइड से ज्वाइन करने के बाद आप कमर पट्टी को भी इस तरह से मुड़कर सिलाई करना है। इसके बाद हमें इसको 36 का साइज का हिसाब से सिलाई कर लेना है। ये 36 साइज डबल कटरी कट ब्लाउज सिलाई पूरा कंप्लीट है। अगर फिर मेरा वीडियो को पसंद आने से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।